वेलकम टू सिनेब्रिटी। लंबे इंतजार के बाद में थिएटर 100% सीट के साथ खुल चुके हैं और फैंस भी इस खबर को सुनकर काफी एक्साइटेड है। सिनेमा हॉल्स के पूरी तरह खुलने की बात को लेकर इंडस्ट्री भी काफी खुश है और एक्टर्स अपनी फिल्में रिलीज करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 में रिलीज होने वाली है और रोहित शेट्टी और फिल्म के को प्रोड्यूसर रिलायंस एंटरटेनमेंट ये तय कर चुके हैं। और इसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट ने फिल्म 83 के रिलीज होने को लेकर कहा है कि ये फिल्म 25 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। मीडिया को मिली रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस और बाकी के प्रोड्यूसर्स ने तय किया है कि स्पोर्ट्स फिल्म जून में रिलीज की जाएगी। 2 अप्रैल को सूर्यवंशी रिलीज हो रही है और इसके बाद रमजान 12 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और फिर मई में राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और सत्यमेव जयते 2 रिलीज होने वाली है। मई के आखिर के 2 महीनों में कुछ और फिल्में भी रिलीज हो सकती हैं और इसीलिए हमने तय किया है कि 83 जून में रिलीज करेंगे। फिल्म 83 वर्ल्ड कप पर आधारित है और इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है। एक्टर सलमान खान की मूवी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई पिछले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना के संकट के चलते ऐसा नहीं हो सका। पिछले दिनों इस बात की चर्चा थी कि सलमान खान इन फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं और इसके बाद थिएटर्स एसोसिएशन की ओर से सलमान खान से अपील की गई थी कि वो ऐसा ना करे। अब कहा जा रहा है कि सलमान खान की ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिलहाल सलमान खान अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ में अंतिम मूवी की शूटिंग में बिजी है और इस फिल्म में सलमान खान एक सिख युवक के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।